हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत चीन तनाव का असर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी साफ दिख रहा है। तवांग पर चीन अपना दावा ठोकता रहा है, जबकि तवांग हमेशा से ही भारत का अटूट अंग रहा। तवांग से एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राज पुरोहित की ग्राउंड रिपोर्ट। इस खूबसूरती को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि अरुणाचल के तवांग पर चीन की नजर क्यों है। यहाँ की सुंदरता की वजह से ही इसे नॉर्थ ईस्ट का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ की पहचान है तवांग मठ, जो 1962 के युद्ध का गवाह रहा है। तो इसी मठ में 1959 में सबसे पहले दलाई लामा का स्वागत किया गया था, और ल्हासा के पोताला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ। ये तवांग नदी की घाटी में तवांग कस्बे के निकट है। 1960 में मिराक लामा लोद्रे गायस्तो ने इसे बनवाया। फिलहाल इसमें 570 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु रहते हैं। समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर तवांगचू घाटी में बने इस मठ में दुनिया भर के बौद्ध भिक्षु और पर्यटक आते हैं। पहाड़ी पर बने होने के कारण तवांग मठ से पूरी तवांग घाटी के खूबसूरत दृश्य देखे जा सकते हैं। तवांग मठ तिब्बती बौद्धों के लिए काफी अहम है, इसलिए चीन के लगातार निशाने पर है। चीन तिब्बतियों के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा की आवाज को भी शांत करना चाहता है। चाइना का जो पॉलिसी है वो दलाई लामा को लेकर हम लोग का जो बौद्ध धर्म है उसको नष्ट करने के लिए वो बहुत ही क्या करते हैं, हमेशा सदैव ही वो प्रयास कोशिश किया जाता है। उसने जो 1959 में भी जो दलाई लामा शरणार्थी में आई थी, तो उस समय भी उसने जो तिब्बत में जो जितना जो मोनास्ट्री थे, जो मठ थे, उसको नष्ट किया गया है। अगले दलाई लामा को खुद दलाई लामा ही चुन सकते हैं, जो कि इस वक्त भारत में है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगले दलाई लामा तवांग से हो सकते हैं। ऐसे में तवांग का महत्व बढ़ जाता है। लगातार चीन जो है वो दलाई लामा पर जासूसी करता रहा है, और साथ ही कहीं ना कहीं उन पर हमला करने की साजिश भी लगातार करता रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा जो एंगल है वो दलाई लामा और इस तवांग मोनास्ट्री से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सीधे तौर पर बौद्ध धर्म के लोग दलाई लामा को बहुत मानते हैं। ऐसे में अगर तिब्बतियों के जो आजादी के सुर है उनको अगर शांत करना है, तो चीन चाहता है कि किसी तरह से दलाई लामा जो है वो अपनी ओर से नियुक्त करे, ताकि इस आजादी के सुर को कहीं ना कहीं शांत किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों में अरुणाचल को भारत का हिस्सा माना गया है, और हमेशा से अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग रहा है। चीन तिब्बत पर कब्जा करने के बाद अरुणाचल प्रदेश को भी अपना बताने लगा। चीन की इन्हीं हरकतों के कारण LAC पर भारत को माकूल जवाब देने को मजबूर होना पड़ा है।